खबर कराहल से है, जहां 17 नवंबर को होने जा रहे विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता के पालन में कराहल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत चेकिंग नाके बनाए गए हैं। आज कराहल तहसीलदार ने व्यवस्थाओं का जायजा लेने से लिए एक प्राइवेट कार में सवार होकर बांसरैया नाके पर पहुंचे और कार को बिना चेक किए कराए निकालने का प्रयास किया, मगर वहाँ मौजूद पुलिसकर्मी ने उन्हें बिना एंट्री कराए नहीं निकलने दिया। जब तक वहाँ ड्यूटी कर रहे तहसील कर्मचारियों ने तहसील को पहचान लिया। इस पर तहसीलदार ने पुलिसकर्मी की मुस्तैद ड्यूटी की तारीफ की। वहीं तहसीलदार ने भी वहां खड़े होकर गाड़ियों की चेकिंग करवाई और इसी दौरान पोरी एसडीएम भी वहां से गुजर रहे थे, उनकी गाड़ी को भी कराहल तहसीलदार द्वारा चेक किया गया। वन विभाग के सीएफ भी गाड़ियों के काफिले के साथ गुजर रहे थे, उन्हें भी रोककर आई कार्ड देखने के बाद वहां से जाने दिया और हर आने जाने वाले वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान कई गाड़ी की डिग्गी में रखे सामान के बैग थैले निकलवा कर चेक करवाए गए। हमारे संवाददाता जमन विभाग के सीएफ के गाड़ी चेकिंग की रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो सीएफ ने कहा कि हमारी गाड़ी की रिकॉर्डिंग मत करो, हम अधिकारी हैं। तो हमारे संवाददाता ने कहा कि वहीं तो देखने आए कि प्रशासन आचार संहिता का पालन सिर्फ आम जनता से ही करवा रहा है या बड़े अधिकारी भी इसकी दायरे में के लिए आ रहे हैं। तहसीलदार ने बताया कि नाकों पर चेकिंग व्यवस्था चाक चौबंद है, किसी भी प्रकार के वाहन को बिना चेक किए नहीं जाने दिया जाएगा, गाड़ी की पूरी तलाशी ली जाएगी, चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाएंगे। जब लोकल की हो कोई है आपत्ति है क्या? दो मिनट आपको रुकने में कौन समझ जिंदा साहब साल नहीं देता ला रहा साल तो बढ़िया को देखो आओ अंदर मैं बात नहीं हूँ आ रहा क्या थैली वाली इसी से हटवाओ हटाओ इससे इसी से हटवाओ कैमरा चालू रखो इनका सामान ये इनका बैग चेक करो किसका नाम कपड़े हैं कपड़े ये सब आराम से लगाना यार मत जा देखो यार भैया इतनी जल्दबाजी मैं आ गया हां दो
रोड से आ रहा हूँ टेकनपुर जाने के लिए। 9999 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
तहसीलदार साहब, क्या कुछ यहाँ चल रहा है सर? सब कुछ ठीक है क्या? यहाँ लगातार चेकिंग की जा रही है, निर्वाचन नजदीक है और लगातार सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हमने सर अभी देखा कि पौड़ी एसडीएम की गाड़ी भी सर आप चेक कर रहे थे, क्या सर सभी कर्मचारी और अधिकारियों की गाड़ी चेक की जाएंगी? गाड़ी सभी चेक की जाएंगी, आईडी दिखाने पे उनको छोड़ दिया जाएगा। और क्या कुछ सर आप आए तो जैसे कमियां नजर आ रही थी, जैसे जलालपुरा चौकी पर स्टॉपर में नजर आई थी एक कमी, ऐसी सर कमियां यहां तो नहीं है सर? इस तरह की यहां कोई कमी नहीं है मेरी, मैं खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी से आज आया था कि मैं ये देख सकूं कि मेरी गाड़ी चेक की जा रही है कि नहीं की जा रही है, और इसीलिए आज मैं प्राइवेट गाड़ी से आया था। लेकिन मेरी गाड़ी को भी निकलने नहीं दिया गया, तो इसलिए मुझे लगता है कि यह गाड़ी वो गाड़ियों की चेकिंग जो है सुचारू रूप से संचालित है। और क्या कुछ सर संदेश है सर यहाँ चौकी पर, क्या और सर सतर्कता और बढ़ाई जाएगी? सतर्कता यही है, कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग के नहीं निकलनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी गाड़ी हो, बस यही संदेश है। तहसीलदार रवीश भदौरिया जी आए हैं, उन्होंने साफ संदेश दिया है कि कोई भी गाड़ी हो, किसी भी लेवल का वो अधिकारी हो, गाड़ी की नंबर चेकिंग जरूर होगी, गाड़ी के आईडी कार्ड जरूर देखे जाएंगे।